कराची समेत सूबे भर में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन, पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब। सदर टाउन यूसी 13 पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब 3,976 वोट लेकर चेयरमैन मुंतखब। कश्मोर, रानीपुर, टिहरी मीरवा, सखर और दीगर शहरों में भी पीपल्स पार्टी की जीत। टोबा टेक सिंह कमालिया रोड पर ट्रैफिक हादसा, कार और हाइस में तसादुम, दो अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी, 4 की हालत नाजुक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। इसराइल की सफाकियत को एक माह मुकम्मल, गजा पर रात भर बमबारी, 27 शहीद, 5,000 बच्चों समेत 9,770 शहादतें, 26,000 से जायद जख्मी। इंटरनेट बम, गजाई अजनास का जखीरा सिर्फ 5 दिन का रह गया। जनूबी लबनान में गाड़ी पर हमले में खातून और 3 बच्चियां शहीद। हमास का इसराइल पर कारी वार, गजा में घुसने की कोशिश पर दुर्गत बना दी। मजीद 5 इसराइली फौज जहानुम वासिल, 6 टैंक तबाह, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी। इसराइली अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। नतन्याहू के घर के बाहर फिर एहतजाज, वजीर आजम को जेल भेजने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी, रोजाना हजारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखिला। कराची के मुख्तलिफ अजला में आरजी ट्रांसिट कैंप्स कायम, मजमूई तौर पर 1,88,738 गैर कानूनी अफगान शहरी वापस जा चुके। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाला भारत खुद FATF के रडार पर आ गया। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की टीम भारत पहुंच गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल का नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। भारत के FATF ग्रे लिस्ट में जाने के इम्कानात रोशन। और क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। भारत का जीत के लिए 327 रन का हदव, जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन बनाकर बड़े मार्जिन से हार गई। विराट कोहली की सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर का 49वां सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर। आज श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबले होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।